नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब जोर पकड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब 2024 के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां रणनीति बना रही हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले एक बड़ा फेरबदल हुआ था, जहां पर सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, जो कि यहां पर प्रदेश में संगठन महामंत्री थे। उसके बाद जो एक बड़ा ऐलान आज हुआ है, वो ऐलान ये हुआ है कि बीजेपी में जब स्वतंत्रदेव सिंह ने, जो कि दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद से लगातार कवायद चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि तमाम तरह के नामों पर चर्चा थी कि ब्राह्मण समुदाय से रहेगा या दलित समुदाय से रहेगा, जाट समुदाय से रहेगा, पर इन सारी व्यवस्थाओं पर, सारे कवायदों पर एक अलग संदेश देते हुए भूपेंद्र चौधरी, जो कि वर्तमान सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, उन पर पार्टी ने अपनी मोहर लगाते हुए उनको उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये काम आज ही हुआ है, और कल हालांकि वो आजमगढ़ गए थे, उनको रात ही रात जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने बुला लिया था, चर्चा हुई। और आज सुबह से ही सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, और जो सूत्र बोले थे बस सूत्र सही भी हुए, और भाजपा उत्तर प्रदेश की कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथ में दे दी गई। अब जो अन्य नामों की चर्चा थी उनकी हम चर्चा कर ले, तो केशव प्रसाद मौर्य, जो कि पिछड़ी जाति से आते, उनके नाम की चर्चा थी। ब्राह्मण वर्ग से श्रीकांत शर्मा, उनकी चर्चा थी। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा, उनकी चर्चा थी। और अन्य वर्गों की बात करें तो रामशंकर कठेरिया की भी चर्चा थी, और विद्यासागर सोनकर की भी चर्चा थी। और सारी चर्चाओं को यहां विराम दे दिया गया है, और बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है, भूपेंद्र चौधरी। अब भूपेंद्र चौधरी कोई नया नाम नहीं है, भूपेंद्र चौधरी पार्टी का बहुत पुराना नाम है, क्योंकि 33 साल से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, और छात्र जीवन की समय से वो लगातार राजनीति कर रहे हैं। और अगर एक समुदाय की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी का खासा दखल है, और लगभग लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर जाट बिरादरी खासा प्रभाव रखती है। और वहाँ पर जो समीकरण थे किसान आंदोलन के चलते, तमाम तरह के समीकरण खराब हुए थे, जिसके चलते देखा जा रहा था कि 2022 के चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पर भूपेंद्र चौधरी ने उन सारे कयासों को कम करते हुए यहाँ पर नुकसान को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, और जिसका परिणाम ये रहा कि पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने को है, 24 में चुनाव है, और लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, और उसको नुकसान को भरपाई करते हुए कुछ पलटवार तो किया, और चूंकि चुनाव अब आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वहां पर एक ऐसे नेता के रूप में वो माने जाते हैं जो जनप्रिय हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो सपा का भी वहाँ खासा दखल है, और साथ ही साथ वहाँ पर रालोद का भी खासा दखल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें। और जो भूपेंद्र चौधरी है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक क्षेत्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2011 से 2018 तक 3 बार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बड़े बड़े पद उन्होंने निर्वाह किए, और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उन चीज़ों को चलाया है। तो वहीं अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष चुना नहीं गया है। अजय कुमार लल्लू के इस्तीफा देने के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, और इन बाजार गर्म होने के चलते बस यही बात की जा रही है कि कौन बनेगा। कभी नकुल दुबे का जब ज्वाइनिंग होती है, राजीव शुक्ला उनको ज्वाइनिंग कराते हैं, तो कहा जाता है नकुल दुबे बनेंगे, तो कहीं किसी और की आहट होती है, या कहा जाता है कभी कोई पुराना आदमी ही बनेगा, तो तमाम तरह के कयास चल रहे हैं। अगर हमारी पार्टी की बात करें तो हमारी पार्टी में भी अभी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश की बात करें या केंद्रीय स्थिति की बात करें, वो लगातार सक्रिय नजर आते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी एक बेहतर प्रदेश अध्यक्ष की खोज में है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनना चाहिए बेहतर, और जिससे कि परिणाम अच्छे आए। समाजवादी पार्टी में नरेशोत्तम पटेल फिलहाल जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस तरह और फेरबदल होगा, क्योंकि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनके बनने के बाद क्या मायने रहते हैं, और अन्य पार्टियां
अब भाजपा के इस कदम के बाद कौन सी नई रूपरेखा रचती है अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों को लेकर, या वो भी कोई फेरबदल करती है, या पुराने चेहरों पर ही वो कुछ महत्व दिखाती नजर आएंगी? कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जाति समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द महंगाई बेरोजगारी महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। के नए प्रदेश अध्यक्ष को हमारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में उसी क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार हुआ। तीन काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों ने जो हिस्सा लिया और शहीद हुए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। आज भी गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, लगातार किसान पीड़ित है। तो ये जो सारे विषय हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष इस पर जनता के और किसान के और नौजवानों के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसान कर्जा माफी के नाम पर नौजवान लगातार बेरोजगारी को लेकर परेशान है, और कोरोना काल में जो छोटे एमएसएमई उद्योग थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुरादाबाद में पीतल नगरी हो या अलीगढ़ में, तो ये सारे प्रभावित हुए। हमें उम्मीद है कि उसको लेकर वो मुखर होंगे। पार्टी द्वारा भूपेन्द्र चौधरी को, जो कि पहले कार्यकाल में भी पंचायती राज मंत्री थे और दूसरे कार्यकाल में भी उनके बेहतर कार्यकाल को देखते दोबारा यहां पर उनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूपेन्द्र चौधरी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। क्या अलग इस बार होने वाला है? क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि दलित वर्ग से कोई बनेगा, पिछड़ी जाति से कोई बनेगा, ब्राह्मण वर्ग से कोई बनेगा, और साथ ही साथ एक ऐसा संदेश बीजेपी देना चाहती थी कि जो है हम किस जाति के साथ बेहतर करते नजर आएंगे। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि सक्रिय पार्टी मानी जाती रही है पिछड़े वर्ग की, अब वो पार्टी चूंकि अब उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही, तो पिछड़ा वर्ग जिसकी खासी कवायद है इस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, और खासा प्रभाव भी है, वो वर्ग को अपने पाले में कैसे किया जाए, ये भी यहाँ पर निर्णय लेने वाला था। और साथ ही साथ ये भी सोच रखनी जा रही थी कि पिछड़ा वर्ग कहाँ जाएगा, तो उम्मीद जहाँ की जा रही थी पिछड़े वर्ग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज है उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, और उम्मीद की जा रही थी यहाँ पर जाट समुदाय से प्रतिनिधि मिलेगा, और जो मोहर लगी है वो जाट समुदाय के नेता पर मोहर लगी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कोई कमी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर रालोद सक्रिय हुई है, जिस तरह से वहाँ सपा का बेहतर कार्य चल रहा है, जिस तरह वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था अभी कुछ समय पहले हो गई थी जिसके चलते किसान आंदोलन के चलते तमाम तरह का जो नेता थे वो एकजुट हो गए थे जाट बिरादरी के, और जब वहाँ पर जयंत चौधरी लगातार महापंचायत कर रहे थे तो जो जाट बिरादरी है वो कहीं ना कहीं झुकाव वहाँ पर जा रहा था। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो रालोद के बड़े नेता रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनका जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था, और उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ा फैसला बीजेपी द्वारा लिया गया है और यहाँ पर भूपेन्द्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बदलाव की हम बात करते हैं, जो निर्णय की बात करते हैं, जो व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो यहाँ पर बीजेपी समय समय पर लेती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ समय पहले यहाँ पर राष्ट्रीय जो महासचिव बनाए गए सुनील बंसल और धर्मपाल सिंह को यहाँ पर कमान सौंपी गई है। तो चर्चा के मेहमानों को रूबरू करा दूं, तारिक खान हमारे से हमारी पार्टी जुड़े हुए हैं, और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत मिश्रा कुशल ये हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, शायद को तकनीकी खराबी के कारण इसकी नहीं आ पा रही है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो भूपेंद्र चौधरी है ये अमित शाह के बहुत करीबी रहे हैं, और साथ ही साथ जो सुनील बंसल जो प्रदेश के पहले जो संगठन महामंत्री थे उनके भी करीबी रहे, और खासा अनुभव भूपेंद्र चौधरी को भी है क्योंकि 33 साल का अनुभव उनका भारतीय जनता पार्टी में है और कई बड़े पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और अगर उनके राजनीतिक जीवन के बड़े पदों की बात करें तो 2016 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, 2019 में दोबारा बने थे, और साथ ही साथ बेहतर काम करने का अनुभव उनके पास है। तो मैं हमारे दोबारा रूबरू करा दूँ, तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, प्रसाद मिश्रा कुशल भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में उजैर नजम जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी जी हमारा साथ देंगे, और नेता रालोट के रूप में वेद प्रकाश मिश्रा जी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा प्रसाद मिश्रा कुशल से रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर पहले धर्मपाल सिंह को कमान दी गई, उसके बाद सारे कयासों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि यहाँ पर कयास दूसरे चल रहे थे, भूपेंद्र चौधरी का नाम कल ही आया चर्चा में, आज उनको प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी दे दी गई, क्या मानते हैं इतना बड़ा फेरदल, सारे कयास दरकिनार और यहाँ पर कुर्सी जाट बिरादरी के बड़े नेता को, क्या मानते कुशल जी? मुझे आज की इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए आपको जी, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज एक नया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी के रूप में मिला है, ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि एक जमीन के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने तराश कर निकाला है, और निश्चित रूप से आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मिल के पत्र स्थापित करेगी। प्रशांत भाई एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण वर्ग की बात चल रही थी, ब्राह्मण वर्ग का खासा प्रभाव है, और ब्राह्मण वर्ग ने बिल्कुल कहा जाता है कि बीजेपी का पक्का मतदाता है, ठीक है, तो दूसरी तरफ दलित वर्ग की बात चल रही थी जहाँ से बड़े बड़े नेता भी आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, रामशंकर कटेरिया की बात करें, विद्यासागर सोनकर की बात करके चर्चा भी चल रही थी, तो इन सारे कयासों के अलग भूपेंद्र चौधरी का नाम एकाएक कैसे आ गया, क्या मानते हैं क्या रणनीति पार्टी की है? गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर चलती है। कयास लोग लगाते रहते हैं, आपके चैनलों के माध्यम से ये लोग लगाते हैं कि भाई ये बन जाएंगे ये बन जाएंगे ये बन जाएंगे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए संगठन के किसी भी पद पर उसी व्यक्ति को आसीन करता है जिन्होंने संगठन के लिए कुछ कार्य किया हो, जिन्होंने संगठन को महत्व दिया हो, संगठन के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हो, ऐसे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी बने हैं। निश्चित रूप से हमारे पार्टी में एक जमीन के कार्यकर्ता को उठाकर जो अपने जिन्होंने अपने 1989 में भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में संभव हो पाया है, जो आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े दल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं जी, बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हमारे यहाँ पर जातिवाद की कोई बात नहीं है जी, सभी जातियों का समावेश है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे जाट हो चाहे पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हो, सभी लोगों का समावेश भारतीय जनता पार्टी में है। विभिन्न पदों पर किन्हीं किन्हीं पदों पर किसी को बैठाया जाता है, किसी पद पर किसी को बैठाया जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पार्टी को जरूरत महसूस हुई कि नहीं भूपेंद्र चौधरी जी हमारे लिए अच्छे, हमारी पार्टी के अच्छे नेता हैं, जाट समुदाय से आते हैं, ये सब तो आपका विषय है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में उजैर नजम जी हमारे साथ मौजूद है, उजैर भाई बीजेपी ने तो आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिया भूपेंद्र चौधरी को, बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है जाट समुदाय से, ये तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, और अभी तक आपके यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐलान नहीं हुआ, कब तक वेट करेंगे भाई? हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है और हमारा एक आध हफ्ते में प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा, एक हफ्ते में विदिन वीक आ जाएगा। उजैर भाई लगता है चलिए प्रियंका जी हमारे जी लगता है बहुत लेट हो रहा है कि और कवायद लगातार चल रही है, नाम अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। लेट बहुत नहीं हो रहा है क्योंकि अभी देखिए आपने इलेक्शन के रिजल्ट जो है मतलब हमने जो प्रयास किया, 6 महीने हो गए इलेक्शन को, 6 महीने से ज्यादा हो गए इलेक्शन को,
हाँ वो पता है हमें, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा हमको समय लगा, इस बात को हम मानते हैं कि समय लगा, लेकिन हम मतलब काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी का संगठन काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। हाँ ये अलग बात है कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे नहीं है। अभी निकाय चुनाव आने को है, नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या मानते हैं निकाय चुनाव के पहले अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो बेहतर परिणाम आएंगे, पर अब तक सितंबर आने वाला है, अब तक प्रदेश अध्यक्ष का कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, क्या मानते हैं हफ्ते भर के अंदर नाम आ जाएगा? मेरी निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, हमारी पार्टी जो है एक सिस्टम से काम करती है। अच्छा। और हम जनता के मुद्दों को लेके हमेशा रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, जैसे कोई भी जनता का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और भी कोई सामाजिक समरसता का मुद्दा हो, और साथ ही साथ संस्थाओं के दुरुपयोग का मुद्दा हो, हम जो है अपने संघर्ष को निरंतर कांग्रेस पार्टी करती रहती है। ये अलग बात है कि मीडिया में ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन हम संघर्ष करते रहते हैं, और करेगी तो बिल्कुल आएगी मीडिया में जरूर भाई। और नहीं आपके यहाँ आती होगी, आपके यहाँ आती होगी, आपके आपको धन्यवाद, आप करते हैं इसको, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी बात मेरी सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अपना करते रहते हैं, वो जनता को देना है, जिस दिन जनता हमको सत्ता देगी, अब जनता को जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वो हमें बुला के बैठा देगी, उसमें कोई बात नहीं। उजर भाई अभी भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है 7 सितंबर से, राहुल गांधी इसको हरी झंडी दिखाएंगे तमिलनाडु से, तो मान सकते हैं उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष आपके फाइनल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के? हाँ उससे पहले आ जाएंगे, उससे पहले, इससे पहले, बहुत पहले। चलिए उजर निजम जी कहना है उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष फाइनल हो जाएंगे। तारिक भाई समाजवादी पार्टी जुड़े हुए, तारिक भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। तारिक भाई आ रही है, तारिक भाई यहाँ पर भूपेन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, कांग्रेस में अभी नाम का ऐलान होना बाकी है, सपा से नरेशम पटेल ही जुड़े रहेंगे क्या कि कोई चेंज होगा? नहीं देखिए पूरी कार्यकारिणी तो भंग कर दी गई थी नरेशम पटेल साहब को छोड़कर, और आपको पता होगा कि समाजवादी में कई फ्रंटल संगठन है, यूथ के चार चार संगठन है, तो बड़ा संगठन है, उसको बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट है, और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला नहीं जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। अच्छा। अब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की अगर बात करें हम गौरव भाई, तो चाहे भूपेल साहब बने और चाहे जो बने उससे समाजवादी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है गौरव भाई कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्म और जाति से ऊपर बढ़कर वोट दिया, जातियों में बटकर वोट नहीं, ठीक है जातियों में बटकर वोट नहीं दिया, सरकार भी बना ली, लेकिन आप इनके हर कदम में जातियों का बंटवारा देखिए। जब डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो एक ब्राह्मण एक बैकवर्ड समाज का लिया जाता है। अच्छा। जब टेनी साहब को हटाने की बात आती है तो नहीं हटाया जाता है कि पंडित नाराज हो गए। अच्छा। एक आप ही के पार्टी का मंत्री कहता है कि मेरी जाति की वजह से मेरे मुझको सुना नहीं जा रहा है, जिसने इस्तीफा तक दे दिया उसी की आईएएस नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि कब जातियों से ऊपर उठकर बात होगी, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वोट मिल गया जातियों से ऊपर उठकर, तो अब आप जाट को जोड़ने के लिए चले गए कि किसान आंदोलन में 700 आदमी मर गया था उसमें कुछ हुआ नहीं, तो वेस्टर्न यूपी के जाट को उठाकर बना दो, चलिए जाट को बना दिया, बड़ा रिस्पेक्ट दिया, फिर उस रिस्पेक्ट का जवाब कैसे होगा कि टेनी साहब महेंद्र सिंह टिकैत महान किसान नेता के बेटे राकेश टिकैत को दो कौड़ी का आदमी कहेंगे सार्वजनिक तौर पर, और मीडिया के बारे में उसी जाट राकेश टिकैत भी हैं गौरव भाई जी, एक दिन पहले पूरी तरीके से किस तरीके से मीडिया की बेइज्जती की आपको भी पता हो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसकी निंदा की? देखिए जाट किसी को बना देना बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है जाट का, 2% है, मैंने देखा जो सेंसस था 2011 का वो तू ही, लेकिन उनका वहां के राजनीति पर प्रभाव है जी। इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी जाति या किसी भी वर्ग के लोगों को कुछ भी बना देने से उनका सम्मान हो जाएगा जी। तो राकेश टिकैत का कितना सम्मान कर दिया आपके मंत्री ने, दो कौड़ी का आदमी कह दिया उनको, दो कौड़ी का आदमी कह दिया, जो किसानों का नेता है, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, जिसकी वजह से आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा, उसको आप ऐसी बात कहेंगे, और जिसकी भाजपा ने निंदा भी नहीं की। देखिए
इनके मंत्री विधायक ओपन है कुछ भी कहने के लिए। अच्छा, लेकिन विपक्ष वाले ओपन नहीं है, उनके लिए शब्द की एक लिस्ट बना दी गई है, वो उन्हीं लिस्टों में आपको शब्द ढूंढ के बोल चलिए, लेकिन ये स्वतंत्र है जी। तारिक भाई, ये बात जरूर कहूंगा कि देश में इस समय राजनीति इसी स्तर पे हो रही है, सभी लोग ऐसे नेताओं को लेके आते हैं कि वर्गों को यहाँ पर लुभाया जाए, और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी भाजपा से समाजवादी पार्टी में इसलिए एंट्री भी हुई थी, तो यहाँ पर तो जातिगत राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और यही राजनीति चलती रहती है जी। मैं एक्सप्लेन कर दूं अपनी ही बात को आगे। देखिए गौरव भाई, उत्तर प्रदेश से जाति की राजनीति खत्म नहीं हुई है, नहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरी भी ये इच्छा है कि सिर्फ गरीब की बात नहीं, मगर खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री की बात जी, ठीक है, स्टेटमेंट अखिलेश यादव साहब ने नहीं दिया था जीतने के बाद, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने जीतने के बाद दिया था। तो जब सीएम और डिप्टी सीएम बनाया जाता है और खुद सीएम ठाकुर बनाया जाता है, तो मैं कह रहा हूँ हर स्टेप पे आप जातियों का जो ताना बाना है उसको बना के चलते हैं, तो क्यों कहते हैं कि जातियों का सिस्टम खत्म हो गया, सबका साथ सबका विकास करके चलते, सबको लेके चल रहे हैं, उनका कहना है सबको लेके चलते हैं। मंत्रियों मंत्रालय के बंटवारे जी, और मंत्रियों के बंटवारे में ये चीज दिखती है, यहाँ तक कि अभी जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसमें भी दिख गई। अभी आप ही ने कहा कि पंडित बनाने पे बात चल रही थी, ब्राह्मण बनाने पे बात चल रही थी, दलित बनाने पे बात चल रही थी, तमाम बातें चल रही थी जी। लेकिन जाट बनाने का मतलब क्या है कि किसान आंदोलन में जो जाट नाराज हुए थे वो थोड़ा सा खुश होते, यही तो मकसद है जी, यही तो मकसद है। लेकिन किसान सिर्फ जाट नहीं है, वेस्टर्न यूपी का 7 करोड़ के आसपास का किसान है, वो सिर्फ जाट नहीं है, तमाम जातियों में बटा हुआ। ठीक है, ठीक है, तो बात किसान की होनी चाहिए, जाट की कैसे हो। ठीक है, ठीक है तारिक भाई, और मेहमानों को ले लें, हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी जुड़े हुए हैं। तकी भाई, बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बना दिया, कांग्रेस का जैसे कि उजैन निजम भाई बोल रहे हैं अगले सप्ताह तक फाइनल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के फिलहाल जो कार्यवाहक अध्यक्ष है सभाजीत सिंह, उनकी अभी कार्यशैली चल रही है, क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी भी आने वाले समय में कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, कोई बेहतर प्रदेश, कोई विकल्प ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं सभाजीत भाई, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमेशा, वो हमें गर्व है, और हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे सभाजीत भाई जो है हमारे अध्यक्ष बने रहें, और वो आज भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, पूरा काम पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं, और उस आदमी के पास की तारीफ मैं करूंगा, उसके बाद पद नहीं उसके बाद भी उसी गंभीरता से उसी तत्परता के साथ लगातार काम कर रहा है, तो हमको आभास ही नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम सब काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही प्रदेश अध्यक्ष की बात, तो आपको बता दूँ कई बार बीजेपी ने भी बिना किसी प्रदेश के नेतृत्व के किसी चेहरे के चुनाव लड़ा है, चाहे वो पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, इनके पास भी चेहरा नहीं था, बिना चेहरा गुजरात में भी मोदी जी के पास चेहरा नहीं रहा, कि बिना चेहरे के कई स्टेट्स में चुनाव लड़ चुके हैं। तो चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की सोच, पार्टी के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं पूरे देश में ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, यही ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है, ऑपरेशन लोटस जो है ऑपरेशन बोगस हो चुका है। और ये जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, इनको सामाजिक समरसता की बताने की जरूरत ही क्या है, जब ये ईडी का और सीबीआई का, सीआईडी का, पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल करके कहीं भी सरकार तोड़ के जोड़ के बना लेते हैं, जब उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, अभी हेमंत सोरेन के पर हमला कर रहे हैं वहाँ सरकार बना ली, कल आपने कहा कल किस तरह से बिहार में जब वहाँ सरकार शपथ लेने जा रही थी सुबह 4 बजे सीबीआई का, ईडी का वहाँ छापा पड़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है सामाजिक समरसता बनाने की, सामाजिक समीकरण बनाने की, सब दिखावा क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, जब वो दूसरे तरीके से चुनाव जीत जाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव जीत जाते हैं, कभी वो पंजाब में क्यों जीत पाए, पंजाब में क्यों हार गए, पंजाब में क्यों हार गए ताकि भाई, देखिए पंजाब में हारे, पंजाब में इनकी दाल गल नहीं पाई, पंजाब में लोगों ने इनको समझ गए, दिल्ली में इनकी दाल नहीं गल पाई, इलेक्शन कमीशन मिलकर चुनाव जीत जाते हैं पंजाब में, आप देखिए जब आम आदमी पार्टी जीतती है, जब आम आदमी पार्टी जीतती दिल्ली में पंजाब में, तब कोई सवाल नहीं पूछता कि आम आदमी पार्टी जो है बेमानी जीती है या पंजाब में आम आदमी पार्टी बेमानी जीती है, लेकिन हमेशा सवाल बीजेपी के जीतने में उठते हैं, बीजेपी के जीतने में लोग सवाल क्यों उठाते हैं, आप बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब भी कोई ईवीएम से गलत वोट पड़ता है बीजेपी को पड़ता है, और जब भी कोई पीएसयू बिकता है तो वो अदानी अंबानी को बिकता है, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, प्रधानमंत्री का नारा है
तुम हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हम तुम्हें सारे PSU सारे सेक्टर बेच देंगे, अदानी अंबानी करोड़पति बना देंगे। इन्होंने रेलवे बेच डाला, एयरपोर्ट बेच डाला, BSNL MTL बेच डाला, सब कुछ बेच डाले। उनका नारा है तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं सारे PSU तुमको बेच डालूंगा, तुमको अरबपति करोड़पति बना दूंगा। हमारा देश ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जो सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, और एक तरफ एक आदमी जो है वो कूड़े से ढूंढ के खाना खा रहा है। आबादी एक वक्त खाना नहीं खा पाती। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को ऐसा बना रहे हैं। अरे हमने ऐसा देश बनाना था, हमारे ऐसा देश बनाना था जहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का सम्मान मिले, अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, वो बनाने में बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई। और तारिक भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संकेतात्मक राजनीति करती है, सिर्फ संकेतों की बात करती है। इन्होंने अभी देखा आपने कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, जो आदिवासी समाज से आती है, झारखंड से आती है, वही झारखंड में ये सरकार गिराने में लगे हुए हैं। अरे झारखंड में सरकार जो बनी है वो आदिवासी भाइयों के वोटों से बनी है, कुछ तो शर्म करें कि वहाँ सरकार हिमेश्वरी सरकार गिराने में लगे हैं आप। ठीक है, ठीक है। तो बीजेपी हमेशा संकेतों की राजनीति करती है, वो प्रतीकों की राजनीति करती है। जवाब लेते हैं। हमारे साथ नेता रालोट के रूप में वीर प्रकाश मिश्रा जी मौजूद है। वीर भाई, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का प्रयास किया जा रहा है, और यही जो व्यवस्था है वो आने वाले समय में 2024 चुनाव में दिखाई देगी साफ तौर पे। क्या मानते हैं कि रालोट को कहां तक नुकसान होने वाला है बीजेपी के इस क्रम से कि भूपेंद्र चौधरी को यहां पर बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के नेता जी माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के कद से बहुत परेशान है। अच्छा, उनका अस्तित्व इस स्तर पर बढ़ रहा है कि 2024 में वो उनको आमने सामने टक्कर देने वाले हैं, और जो भी लड़ाई होगी वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी चुनावी लड़ाई होगी। पश्चिमी यूपी में पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा। और तो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे क्या? गठबंधन के साथ हम हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे। तारिक भाई बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सीटों का हमारा यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर देने वाला है। तारिक भाई, अब उससे परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये एक नई चाल चलने का प्रयास किया है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जी। जब ये इस तरीके का जी। मामला लेकर के आते हैं कि साहब जातीय समीकरण के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, धार्मिक उन्माद फैला करके जी। चुनाव लड़ेंगे, तो इसको मूलभूत टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और हमारा जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ वो पर्याप्त है। उससे घबरा करके इन्होंने इस तरीके का काम किया है कि जाट बिरादरी के नेता को लेकर के आए हैं, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए और 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा कि किसकी क्या स्थिति है। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के बकाए को लेकर के चिंतित नहीं है जी। बेरोजगारी को लेकर के परेशान नहीं है जी। अग्निवीर योजना लाए हैं उस पर आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर परेशान नहीं है जी। ये अगर परेशान है तो जातीय और धार्मिक उन्माद को फैलाने की योजना और रचना के लिए परेशान है। अच्छा, किसानों के मामले में अभी तारिक भाई ने क्या कहा जी। आप बताइए, इतने बड़े किसान नेता को आप कहते हैं 2 कोड़ी का? अरे आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। तो आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया भाई? प्रदर्शन हाँ। आप बताइए खड़े क्यों नहीं हुए? राष्ट्रीय लोकदल किसानों की लड़ाई के साथ जी सदैव से खड़ा रहा है, यही राष्ट्रीय लोकदल की पहचान है। तो मेरे मिश्रा जी, मेरा कहना यह है कि जब उनको इतना बड़ा उन्होंने अपशब्द कह दिया, तो राष्ट्रीय लोकदल जो कि किसानों की पार्टी अपने आप को बोलती है, उनके लिए खड़ी क्यों नहीं हुई? जबरदस्त तरीके के इस पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है और हम इसका जोर विरोध करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का यही तो चेहरा सामने आ रहा है, किसानों की बात नहीं करते हैं, ये जातिगत आधार पर बात करते ठीक हैं है, ठीक है। अगर किसानों की कोई बात करता है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय लोक दल। जवाब लेते हैं। हमारे सर आमिर साबरी जी वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में जुड़ गए, क्योंकि बड़े अनुभवी हैं और सारा निचोड़ ले लिया है 5 प्रवक्ताओं का। आमिर भाई, क्या समीकरण है? बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी कि आपने मुझे इस बहस में शामिल किया। देखिए, ये कहना खाली
कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि जो गौरव इनको क्या नाम भूपेन्द्र चौधरी जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। देखिए आप इससे पहले इन्होंने राष्ट्रपति भी दलित समाज का लेके आया, उस टाइम पे दलितों की बहुत हत्याएं भी हुई दलितों के साथ, उत्तर प्रदेश ही की मैं खाली बात कर रहा हूँ, तो लगभग 1250 इनकाउंटर हुए योगी सरकार में शुरुआत में ही। उसके बाद ये फिर आदिवासी एक राष्ट्रपति लेके आए, क्योंकि इनकी जाति ही गत राजनीति हमेशा रही, अभी तक ये धार्मिक राजनीति कर रहे थे और धार्मिक उन्माद फैला करके अराजकता फैला करके ये सत्ता में आए। अब ये सिर्फ जातिवादी राजनीति, ये कह देना कि भूपेंद्र सिंह या हमारे तारिक भाई कह रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी उसकी राजनीति नहीं करती, देखिए कहीं ना कहीं जातिवाद राजनीति सब जगह है। और जहाँ तक भूपेंद्र यादव को, भूपेंद्र चौधरी को जो लाने का मकसद भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयंत चौधरी का जो कद है पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसको घटाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत विद्वान लोग मौजूद हैं और यही वजह है कि आज वो छाट करके निकाल के, वो केशव मौर्य से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला था बीजेपी का, इसलिए केशव मौर्य को ख़त्म कर दिया बीजेपी ने, भले उप मुख्यमंत्री बना रखा हो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव हरा करके ख़त्म कर दिया, और ये मैसेज दे दिया केशव मौर्य को कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है ना जाति में ना अपनी बिरादरी में, हम अपने दम पर चुनाव जीते हैं, चेहरा मोदी का था इसलिए चुनाव जीत करके आए, सीधी सीधी बात ये। तो केशव मौर्य को बनाने कोई मतलब नहीं था, सुतंत देव सिंह को इसलिए हटा करके, क्योंकि सुतंत देव सिंह में भी गलत फहमी ना पैदा हो जाए कि हम अपने बहुत बड़े नेता हैं, हमारी वजह से बीजेपी जीती है। कुल मिलाकर उनको कैबिनेट मंत्री में उन्हें समायोजित कर दिया गया। कुल मिलाकर के हर पार्टी जातिवाद की राजनीति करी, अभी ने चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि टिकाए वो टेनी मिश्रा की जो हत्या हुई थी उनकी क्या नाम किसानों की, उस हत्याओं को दबाने के लिए, हाँ टेनी मिश्रा की गाड़ी, बेटे की गाड़ी से उस, हाँ आशीष मिश्रा के, उसको दबाने के लिए ये भूपेन्द्र चौधरी को निकाल के लाए हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये कहिए कोई भी पार्टी इस बात से अछूती है ही नहीं गौरव जी के, वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। ठीक है जयंत जी चौधरी जी का मामला है, वो भी देखिए जाटों पर उनका सारा निर्भर है, वो भी उससे अलग नहीं हट पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वो यादवों पर टोटल निर्भर है, अभी देखिए 27 महीने आदम खान जेल में रहे, कितनी बार अखिलेश मिलने गए और रमाकांत यादव जेल चले गए, अखिलेश जी तुरंत पहुंच गए, या इससे पहले हत्याएं हुई मुसलमानों की इसमें लॉकडाउन में, अखिलेश यादव जी कहीं नजर नहीं आए, एक यादव की हत्या हुई तो अखिलेश जी ने विधानसभा घेर लिया। तो सच्चाई देखिए, जो इसको स्वीकार करे हर पार्टी ईमानदारी से कि जातिवाद की राजनीति से बच नहीं पा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और बहुत स्पष्ट मैं कह दूं गौरव जी कि मेरी नजर में समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। अब भले ये लोग अपने को इस लेबल ना लगाएं या इसको अपने को अछूता माने, लेकिन जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और जातिवाद हमारी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी का देखिए अभी कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर गौरव जी, तो मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सड़क में आप भी रहते हैं, सड़क में मैं भी रहता हूँ, और आम आदमी पार्टी के लिए तो आम आदमी ही कह रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, मैं कहने से मतलब कोई बोंड दो राय नहीं है और कोई मैं हिचक नहीं रहा हूँ कि आम आदमी के जहन में है कि बीजेपी की, देखिए एक बात और समझिए, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी आ गई, पंजाब में सरकार थी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी आ गई, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ रही, बड़ा सवाल है ये भी है गौरव जी। अच्छा भैया तो तगड़ा विरोध कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप प्रचंड लोटस चल रहा है और हमको परेशान किया जा रहा है, ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दी गई है, मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। देखिए आमिर साहब साहब से मैं कहूंगा एबीसीडी छोड़िए जी, जनता से आंखों से आंखें मिलाइए, मैं बीजेपी जनता से आंखें मिला पा रही है, मैं लेता नहीं हूं किसी पार्टी का, कांग्रेस आंखें मिला पा रही जनता से, और जो तथ्य है उनको छुपाया आ रहा है, कोई कहता है वो कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहता है उसकी बीजेपी की बी टीम है, हमने दोनों से लड़ाई लड़ी। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि वो हिंदू वादी नेता बनना चाह रहे थे, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का जिगरा था, वो अकेले जाके वहाँ चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल चाहते तो दिल्ली से जीत जाते लेकिन वो अकेले जाके लड़े और काफी वोट मिला। हमने सबसे पहले शीला दीक्षित के खिलाफ एसीबी पे केस किया था, हमसे एसीबी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ले लिया गया, लगातार हम आवाज उठा रहे, इस वक्त हमलावर सबसे ज्यादा कोई है अगर है विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी सबसे ज्यादा बीजेपी के आदेश के खिलाफ खुल के बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं, और इससे ज्यादा कोई नहीं बोलता। यहाँ पे अखिलेश यादव जी भी जो है वो खामोश रहे, ज्यादा नहीं बोल पाए, इस तरह उनको बोलना चाहिए था, इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, 700 किसान बन गए, अखिलेश यादव जी को सड़क पर जाना चाहिए था, ट्रैक्टर लेके ट्राली लेके आपको दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिए, बहुत कम ना के बराबर, जिस तरह से इनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में कहीं नजर नहीं आई, पूरा सन्नाटा हो गया, ये विपक्ष वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसका फायदा जो है बीजेपी ने उठाया, बीजेपी ने जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में चुनाव जो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी कर दिया ताकि और पार्टियों किनारे आ जा सके, ये कहीं से लड़ नहीं पाए ठीक से। तो आप तो सभा से गठबंधन करने जा रहे थे,
सुनने में आया था कि संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। देखिए हम अपने दम पे इलेक्शन लड़े हैं हमेशा, हाँ। हमेशा हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ते रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही थी कि हम इनको साथ मिल ले, चार पांच इनको सीटें दे दें, इनको पटा ले। आम आदमी पार्टी सभी तारे भाई पूछ लेता हूं मैं। और हमने कैडर पूरा खड़ा किया, उत्तर प्रदेश हमारा कैडर खड़ा है, मध्य प्रदेश हमारा कैडर खड़ा है, राजस्थान में हमारा कैडर खड़ा है, हमारा कैडर हम हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 10 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, 10 राज्यों में आम आदमी पार्टी कैडर खड़ा है। और इसमें विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा जो उभर के सामने आ रहा है 2024 में, आप देखिएगा सिर्फ अरविंद केजरीवाल आएंगे, अरविंद केजरीवाल ही विपक्ष का इंजन है, ये सारी पार्टियां डिब्बे की तरह पीछे आके लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ही जो है विपक्ष के लीडर बन के आएंगे। 2024 का वक्त दे रहा हूं मैं, मैं भी हूं, आप भी होंगे, हम लोग देखेंगे। ताकि भाई एक सिर्फ एक सवाल आपसे और रहेगा कि उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा नेता कौन सा आएगा? संजय सिंह के अलावा कोई ऐसी सेकंड लाइन लीडरशिप है कि आपके पास जिसको आप आगे करेंगे चुनाव लड़ने के? प्रदेश में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नेता, बहुत बड़े नेता हैं। संजय कुमार सिंह जी हैं, नीलम यादव जी हैं, अभी सभाजीत भाई हैं, हमारे और भी लोग हैं जो नए कैडर, नए लीडरशिप डेवलप हो रही है। तो हमारे पास बहुत नेताओं की कमी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक से एक बढ़ के नेता है और हर समाज के नेता हमारे पार्टी के अंदर है, हर वर्ग में नेता हमारे पार्टी के अंदर है। इमरान लतीफ साहब भी नेता बन के उभर रहे हैं हमारे, और हमारे बहुत सारे नेता वाल्मीकि समाज से भी नेता बन के उधर, लेत वाल्मीकि उभर रहे हैं नेता बन के, तो बहुत से नेता हमारे उभर रहे हैं। जवाब लेते हैं पेशान मिश्रा कुशल जी, आपने सबकी बातें सुनी जी साहब, और मोहम्मद तकी जी के आपने आरोप भी सुने और तारिक खान के आरोप भी सुने कि बीजेपी जातिगत समीकरण करती है और ऑपरेशन लोटस चला रही है, परेशान कर रही है, अलग तरह की राजनीति, क्या जवाब है आपके? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जातिगत राजनीति की बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं जी, इनकी 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 पार्टी में भी क्या कोई किसी अन्य जाति का अखिलेश जी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? बोलते जाए। नहीं बन सकता है जी। अखिलेश जी की पार्टी है, मुलायम सिंह जी की पार्टी है, तो अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद फिर कोई और बनेगा जी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नीचे के स्तर से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के सभी स्तरों तक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के परिवार को, व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है जी। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लालजी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बाद फिर कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जो जमीन से निकल करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस समय से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए करने का काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना खून पसीना दे करके आगे बढ़ाया है। स्वतंत्र देव सिंह जी आज मंत्री हुए हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, इनकी मैं बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है कि जब कोई किसी पद पर मंत्री या विधायक कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसको फिर प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके फिर दूसरी व्यवस्था में लाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है जी। भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि किसी कार्यकर्ता को ला करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जी। दूसरी बात रही जातिगत राजनीति की बात जी। अब भूपेन चौधरी जी जाट समुदाय से है, मैं ब्राह्मण हूँ, आप कायस्थ है, आप किसी अन्य जाति के, आप यादव हैं, आप सिंह बिरादरी से हैं, तो ये तो एक व्यक्ति को, व्यक्ति जब बनेगा तो उसका तो जाति का समीकरण लोग कयास लगाएंगे जी। आज से पहले बहुत सालों तक क्या किसी ने इस देश में आदिवासी महिला को, किसी भी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठाने का कार्य किया था क्या जी? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूंगा, 60-70 वर्षों तक शासन करने के दौरान उन्होंने क्या ऐसा कोई कार्य किया था कि जब इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करे, ऐसा कभी हुआ था क्या जी? इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी, इन एक ही परिवार में आकर के राजनीति अटक गई भाई। अभी ये जी, अभी जो नेता ये कांग्रेस के लोग बात न करें, क्योंकि इनकी नीतियां इस देश के लिए खतरनाक रही है और इनकी नीतियों के कारण ही इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे बढ़ी है और आज देश को शासन कर रही है। मिश्रा जी अपने ज्ञान में इजाफा कर लीजिए, कांग्रेस ने बहुत पहले दलित को भी राष्ट्रपति बनाया, मुस्लिम को भी राष्ट्रपति बनाया, तो सरदार को भी राष्ट्रपति बनाया है। नहीं, पूछा जा रहा था। अरे सुन तो लीजिए, राष्ट्रपति बनाना अलग चीज है, पॉलिटिकल तौर से उनको करना अगेन, आगे बढ़ाना और बात है, प्रतिनिधित्व देना और बात है। आपने बनाया तो हमने, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ज्ञान में इजाफा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलना ठीक नहीं है, समाज से निकाल आप पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बोलिए।
चलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर जो मैंने आपकी बातों पे कटाक्ष नहीं किया, मैं जानता हूँ आप सही कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ यदि एक आदिवासी समाज से निकाल करके किसी महिला को जो जिसने समाज में काम किया है उनको उनको भारत का राष्ट्रपति बनाने का कार्य यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किया गया तो ये विरोधी दलों को दिक्कत क्यों होने लगी? नहीं, हम स्वागत करते हैं उसका लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी है आपके झारखंड में, वो भी तो नेतों के सपोर्ट से बनी है, सरकारों क्यों गिरा रहे हैं आप प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं, संकेतात्मक राजनीति करते, एक व्यक्ति को बैठा देते और हजारों लोगों का दोहन करते, करोड़ों का दोहन करते, आप किस अधिकार से हेमंत सोरेन की सरकार को लगातार गिरा रहे हैं? आप क्यों आदिवासियों को दोहन कर रहे हैं? आदिवासी महिलाओं के साथ आज बलात्कार हुआ करता है, बीजेपी ने क्यों नहीं उसके बाद बात करी? क्यों कितने लोगों को आरोपियों को जेल भेजा, कितने जंगलों में कब्जा किया जा रहा है, जमीन उनकी ली जा रही है, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी सिर्फ संकेत की राजनीति करती है, प्रतीकों की राजनीति करती है, वो यथार्थ की राजनीति नहीं करती, वो नीचे संभव की राजनीति नहीं करती, वस्तु की राजनीति नहीं करती, उसी में झूठ का आवरण फैलाती है और झूठ की राजनीति करती है, गलत राजनीति करती है। आपने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, क्या सारे दलितों को न्याय मिल गया? ये सारे आदिवासी महिलाओं को न्याय मिल गया? सिर्फ प्रतीक की राजनीति करते हैं आप, जमीन के स्तर पर कोई राजनीति नहीं सही करते आप। प्रधान भाई, अभी नेता रालोद जो कि वेदप्रकाश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि इस बार जो रालोद है वो आपको कई टक्कर देगी। जी, मैं चाहता हूं कि रालोद इस बार गठबंधन से अलग होकर के और इंडिविजुअल तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। चलिए ठीक है। तारिक भाई, आपने प्रशांत भाई की बात भी सुनी और वेदप्रकाश मिश्रा जी की बात भी सुनी, तो सुनी सबकी बात, कहाँ पर रहेगी ये इस बार गठबंधन? क्या बिखरेगा क्या? नहीं भाई, यही कह रहा था कि कहीं अभी गठबंधन की बात हो रही थी तो कहीं ये ना हो कि आखिरी वाले भी चले गए, ये आरोप भी लग जाता हमारे। खैर, हम आरएलडी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मैं पूछ रहा था कि जो अभी कहा कि अखिलेश यादव साहब ही अध्यक्ष बनेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कहीं सीबीआई और ईडी से तो नहीं पूछना है कि हम किसको अध्यक्ष बनाए, मतलब हम लोग को पहले बता देंगे ताकि हमें मतलब आसानी रहे तो आप लोग तय करिए किसको अध्यक्ष बनाना है किसको नहीं। पहली बात तो ये है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आप सहमत हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और जाति की राजनीति के ऊपर नहीं दल का हो उत्तर प्रदेश उसके दायरे में है हमारी विपक्ष। मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री के सवाल पे जो क्वेश्चन है वो उठाया था। अब आप गौरव भाई आप खुद सोचिए, आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बना दिया जी। सारी मुसलमानों की समस्या खत्म। अच्छा, क्या यह संभव है? क्या भारत का यही इतिहास रहा है? रामनाथ कोविंद साहब को प्रेसिडेंट बना दिया, दलितों की समस्या खत्म। अब उसके बाद आपने एक एसटी समाज की महिला को प्रेसिडेंट बना दिया जी, उनकी समस्याएं खत्म। ये जो इनका फॉर्मूला है समस्या खत्म करने का, ये नहीं समझ में आता है। मध्य प्रदेश में सियोनी में दो एसटी समाज के लोगों को जो हिंदूवादी संगठन थे उन लोगों ने मार दिया गौवंश के शक में, उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, सही से लोग गिरफ्तार नहीं किए, ये हालत है। अब आप उसकी बात करने के, उनकी समस्याओं पे बात करने के बजाय अगर बात एसटी समाज की ही थी तो डबल इंजन लगा हुआ है या एक इंजन है, पूर्ण बहुमत है दिल्ली में, क्यों नहीं एक ऐसा कानून पारित होता है जिससे उनकी समस्याएं दूर हो जाए? फॉरेस्ट में लैंड की उनकी एसटी समाज की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए उस समाज की, उस बिरादरी की, उस जाति की समस्या को एड्रेस नहीं करना है। उनके जो तकी भाई ने कहा कि सांकेतिक रूप से उनका एक पद देकर उनका वोट लेना जी, और विभाजन करना है जी, हिंदू मुसलमान में विभाजन किया, मुसलमान ने आपस में भी विभाजन कर दिया। गौरव भाई सबसे बड़ी बात कहा, ये पसमंदा है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मुसलमान है। अच्छा। मुसलमान तो ये सब जानता ही नहीं था, इन्होंने बता दिया आप, और कहा कि बैकवर्ड मुसलमान को टारगेट करो। अच्छा, वहां भी बंटवारा, यहां अपने ही संगठन में जातियों का बंटवारा। मैं ये कह रहा हूं कि इसी बंटवारे को कर कभी भी ये मूलभूत मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, और आप जानते हैं मूलभूत मुद्दे क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे पैनलिस्ट जानते हैं,
और भाजपा के भी पैनल अब कोई समस्या नहीं है। जवाब जवाब लेते हैं, रामनाथ कोविंद के बाद भी नहीं थी। सर में जवाब लेते हैं, प्रसार में जवाब दे रहे हैं, बाकी मेहमान को लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, उससे पहले कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन में पूरे देश में शासन किया जी। उसके बाद 2017 में यूपी में सरकार आई, आज 2014 के बाद और 2017 के बाद समाजवादी पार्टी की इतनी खराब स्थिति क्यों हो गई जनता के बीच में, क्योंकि इन लोगों ने जब ये शासन में रहे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, जनता के पैसे को लूटने का काम किया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का चिंतन किया। उन्होंने कहा इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जब तक हम भोजन राशन आवास की व्यवस्था नहीं कर देंगे, उनके लिए शुद्ध पानी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये इन और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवल आरोप लगाना है कि हमने फलाने जात का व्यक्ति बना दिया, धमाके जात का व्यक्ति बना दिया। ये तो एक सांगठनिक व्यवस्था है, समाज में सभी जातियों के लोग रहते हैं जी। अगर जो आरिफ खान जी को गवर्नर बना दिया गया तो फिर इनको क्या दिक्कत है भाई? सभी जातियों के समावेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 2014 से लेकर के और 2022 तक मैं एक आन रिकॉर्ड भी बताना चाहूंगा कि अगर जो इस देश में जितना हक हिंदुओं को मिला है उससे कम मुसलमानों को नहीं मिला है। सभी लोगों को बराबर का हक देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने किया है। चलिए, जल्दी जवाब दीजिए। अगर जो गांव में आवास की व्यवस्था की गई है जी, तो ये जांच के चक्कर में नहीं की गई। प्रधान भाई, तारे भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। गांव में यदि गांव मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, सुन ले, इन लोगों को सिर्फ आरोप लगाना है जी। अगर जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए तो जात देख करके धर्म देख करके नहीं दिए गए जी, बिल्कुल। यदि आवास प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया गया तो जात देख करके नहीं किया गया जी। अगर तो लोगों की धर्म देख करके नहीं की गई, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी बन गए हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं, उसका अर्थ निकालने में इन लोगों का समय बीत जाता है। ठीक है, जनता की सेवा के नाम पर तो कहीं उतरते ही नहीं है। चले ठीक है, पूरा का पूरा कोरोना काल बीत गया, भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता हर हर गांव में जा करके हर ठीक है, ठीक है, हर घर तक पहुंचने का कार्य किए। ठीक है मिश्रा जी, समय कम है, तारिक जल्दी बात पूरी करें। उज्जवल भाई को जी, जी। गौरव भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जनता हमको रिजेक्ट करती जा रही है। अरे इनको तो आजादी के बाद हमेशा 4-4 सीटें मिली, ये वो वक्त भूल गए जब 2 सीट आती थी इनकी। अच्छा, ये वो वक्त भूल गए जब 20-20-30-30 पार्टियों से मिलकर सरकार बनाते थे, ये वक्त भूल गए। ये भूल गए कि जनता जनार्दन है, वही मालिक है, वही सबसे बड़ी मालिक है, वो जिसको सर पे बैठा लेगी और सर पे उतारना भी जानती है, बैठाना भी जानती है। ये अहंकार बोल रहा है, ये वो दिन भूल गए। लगातार आजादी के बाद, आजादी के बाद जितनी लोकसभा सीटें थी सारी जीत गए थे जी। ठीक है, उजर नजम भाई आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही है जी, बोलिए भैया, बोलिए उजर भाई। देखिए इन्होंने, हाँ हाँ बताइए जी, बोलिए बोलिए बोलिए। 30 सेकंड चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है कभी दलित को, कभी पिछड़े को या किसी आदिवासी को कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। अगर इन्होंने किसी आदिवासी को मौका दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, उनका पिछड़ापन दूर हो जाएगा, उनका शोषण दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस ने जो भी किया, एक भारत को, चूंकि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने देखा कि देश के हालात तब कैसे थे और कैसे उसको सिस्टमेटिक विकास के उस पे पथ पे ले जाना था, उस पे कांग्रेस ने काम किया। और उसमें जो व्यक्ति जो उस समय श्रेष्ठ था उन्होंने शासन किया और जिन्होंने बेहतर किया, आप उठा के देखिए जब भी उस वक्त देश के हालात कैसे थे, भारत के पास क्या था क्या नहीं था। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है कि डॉलर इससे बराबर था, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। वास्तविक स्थिति क्या थी, आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा कि देश के पास बंटवारे के बाद क्या था जी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने लगातार प्रयास के पीएसयू बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेजेस बनाए और हर हर वर्ग का उत्थान करने का डैम बनाए, बिजली उत्पादन किया, परमाणु संयंत्र लगाए और हर वर्ग का देखिएगा विकास किया। और उसके बाद आप देखेंगे 90s के बाद से देश का विकास तेजी से हुआ जी। तो और दूसरी बात ये परिवार की नेहरू क्या इंदिरा जी को बना दिया, राजीव जी को बना दिया। देखिए परिवार बात तो हर जगह है, अब इनको प्रॉब्लम क्या कि एक परिवार फैमिली से प्रॉब्लम है, नेहरू जी की से प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि नेहरू ने देश को खड़ा किया, अब इनको ये बात सूट नहीं करती, इन्हें ये पसंद नहीं आता कि नेहरू जी ने क्यों ऐसा किया। क्योंकि हमें देश को आजाद कराने में
देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया, आप कहना चाहते हैं नेहरू परिवार ने सब कुछ लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाई नेहरू परिवार ने लड़के देश को आजादी दिला दी, बाकी चंद्रशेखर आजाद लड़ेगा, फाखरुल्लाह खान लड़े ना रामप्रसाद भाई, अभी अभी आपको लेते हैं प्रधान भाई, अभी आपका जवाब लेते हैं। मैं तो मैंने आपने पूरी मेरी डिबेट देखी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, बोले उजर भाई आप भी ना करें, आप अपनी बात रख लीजिएगा। तो एक बात, जनता ने उनको मौका दिया, आज वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, जनता हमको मौका देगी, हम अपने ढंग से काम करेंगे जी। और हमने कभी, और जाति की बात जहाँ तक हो रही थी, कांग्रेस पार्टी ने आज तक किसी भी प्रदेश में जातीय सम्मेलन नहीं किए, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बाकी इस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे साथ विप्रकाश मर्दा जी आर्टिकल रूप में। बीर भाई, अभी आपने कहा कि हम गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ेंगे, क्या अब आपकी रणनीति रहेगी? भूपेंद्र चौधरी को कमान दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब आपकी रणनीति क्या है? देखिए ऐसा है जी कि चौधरी साहब जो बने हैं अभी अध्यक्ष जी, अभी चुनाव में काफी समय है जी, हो सकता है कि इनको इनसे कोई ज्यादा बेनिफिट न दिखता हो। अच्छा, तो आने वाले समय में किसी और बिरादरी के आदमी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, अच्छा उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि भूपेन जी अध्यक्ष आज बने हैं और लोकसभा चुनाव इन्हीं के दिशा निर्देशन में चुनाव होगा, वो तो पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचा देखेगी। और हमारे और गठबंधन का बढ़ता हुआ जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार परेशान कर रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, तो उस कद से डरे हुए लोग जी इस तरीके का चिंतन और मनन करने के बाद में उनको लेकर के आए हैं। वो तो ठीक है, 2024 का जब चुनाव आ जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। मैं दूसरी बात एक जोड़ना चाहता हूं जी, हमारे कुशल भाई कह रहे थे कि हमने उज्ज्वला में गैस दी, हाँ एक बार उज्ज्वला में गैस दी जी, उसके बाद वो सिलेंडर जी उज्ज्वला के गैस देने वाले के घर में आज तक रखा है, दोबारा वो भराया नहीं गया है, क्योंकि अब वो गैस सिलेंडर 1150 रुपए का भरा जाएगा। और इन्होंने ये कहा था कि ये सिलेंडर हम आपको दे रहे हैं छूट पर, यानी ये तो जो भी काम करते हैं वो सबकी सेवा में देते हैं, लेकिन देते एक ही बार है, दोबारा उसकी नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज 8 साल हो गए केंद्र में सरकार, 80 करोड़ लोग देश के सरकारी राशन पर जीवित हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों के पास बकाया है, भारतीय जनता पार्टी ने चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की? 750 किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ये इनकी किसान नीति है। सेना के लिए ये अग्निवीर योजना लेकर के आए कि साहब 4 साल में आपको रिटायर कर देंगे। अब ये बैंक के लिए यही योजना लाने वाले हैं कि साहब 4 साल में आपको हम हटा देंगे। किस ओर ये देश को ले जा रहे हैं, आने वाले समय में कितना गर्दिश भरा जीवन आम आदमी का होगा, इसकी तो आज कल्पना करना ही मुश्किल है। 2024 में इस देश की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और वहां पर दूसरी सरकार आएगी जो इस देश को बचाने का काम करेगी। ये तो देश को गर्दिश में ले जा रहे हैं, ये तो सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर यही स्थिति रही तो ये देश को बेच देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कुशल भाई को, मैं आगाह करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नाम इस देश की जनता ने बैनामा नहीं किया है। निश्चित रूप से सरकार जाएगी और आपके जो ये अच्छे दिन आज हैं, ये आप अच्छे दिन अपने रखो और देश की जनता को 2014 वाले पुराने दिन लौटा दो। कम से कम 460 का सिलेंडर तो मिलेगा, आपने तो 1150 का कर दिया, 110 रुपए। ठीक है, ठीक है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, तो इसलिए आप ये भी तय करिए, समय कम है, गरीब आदमी ठीक है और आम आवाम जीवित बना रहे। ठीक है, ठीक है भैया, तकी भाई जल्दी बोलिए, फिर खत्म करते हैं। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। प्रकाश जी ने कहा जी कि इन्होंने सब्सिडी गैस सिलेंडर जो उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी जी, सरकार ने कहा कि हमने उज्ज्वला योजना में सब्सिडी बंद करके 11,000 करोड़ रुपए का बचत करी है, सरकार का पैसा बचाया है और वही अदानी एक दिन में 11,000 करोड़ कमा लेते हैं जी। एक दिन में जो एक आदमी पैसा कमा रहा है उससे पूरा देश साल भर गैस जला रहा था, उसके चूल्हे जल रहे थे, आप देखिए कितना बड़ा
डिफरेंस है। उसी बार रिवर गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट का इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया, उसमें घोटाला है। आप कह रहे नहीं नहीं गोमती रिवर फ्रंट नहीं, आप दूसरा रिवर फ्रंट बनाएंगे, साबरमती रिवर फ्रंट के तरफ पे गोमती बनाएंगे। अरे भाई समाजवादी पार्टी ने गलत बनाया था क्या? उन्होंने जो बनाया था 662 करोड़ बनाया था, कह रहे नहीं 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरा गोमती के किनारे साबरमती तर्ज पे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो ये अपना 10 गुना ज्यादा खर्चा बढ़ा रहे हैं जी। और जो अगली पार्टी ने काम किया समाजवादी पार्टी ने उसको गलत कर दिया, इनका इनका यही चरित्र है हमेशा। ठीक है ठीक है, अमर भाई जल्दी बात पूरी करें, चर्चा खत्म करते हैं। अमर भाई जी हमारे कुशल जी हमारे बड़ी स्पष्टता से कह रहे थे कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, और जिसको कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, इनके बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं नितिन गडकरी जी, उनके एक बयान से मोदी जी ने उनको बाहर कर दिया, इनको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो ईडी और सीबीआई की जहाँ तक बात हमारे तखी भाई ने भी कही है, बिल्कुल वाजिब बात कही है इन्होंने। अभी देख लिया नितिन जी की सरकार इनके समर्थन चल रही थी तो सब कुछ सही था, आज नितिन जी ने आरजेडी से समझौता कर लिया तो ईडी और सीबीआई वहाँ भी दस्तक दे रही है। तो कुल मिला के कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से चाल चरित्र चेहरा रहा है, कहना कुछ है करना कुछ है, बहुत ईमानदारी की बात ये है। और ये बात जैसे अभी हमारे वेद भाई कह रहे थे कि ये अगर नहीं देखेंगे अपना तो उनको अभी हटा देंगे, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए अजी दलितों की बात कर रहे थे, दलित दलित अब आप देख लिए कि जो निजीकरण किया जा रहा है मुस्तकिल कंटिन्यू हर विभाग में जो निजीकरण चल रहा है वो सिर्फ इसीलिए चल रहा है ताकि किसी भी तरह दलितों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ये इनकी दलित नीति है। बाकी चाहे ये आदिवासी को राष्ट्रपति बना दें चाहे दलित को बना दें, इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला। ठीक है, आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। एक बात स्पष्ट है कि इस बार जो चुनाव है 24 का बड़ा संघर्ष वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपनी अपनी कमर कस रही हैं, पर बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ चल रही है और रणनीति के तहत यहाँ पर बैठकें भी चल रही हैं, पद भी बदले जा रहे हैं, फेरबदल भी हो रहा है, और भूपेंद्र चौधरी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रालोद, तमाम जो दल हैं वो आने वाले समय में 2024 में किस तरह यहाँ पर कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे वो तो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि हम बात जरूर सारे देश की करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो जातिगत राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में सिर उठाकर काम कर रही है, और जातिगत राजनीति के माध्यम से ही अब सत्ता की जो कुर्सी है वो पाई जा सकती है। फिलहाल समीकरण फिलहाल यही बता रहे हैं, आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिणाम रहेंगे वो भविष्य के गर्भ में छुपा है। पर एक बार और स्पष्ट है कि जो भी सरकार बनेगी उसके लिए जनाधार आवश्यक है, और जनाधार के लिए धरातल पर संघर्ष करना आवश्यक है। जो पार्टी संघर्ष करेगी, जो पार्टी धरातल पर जनता के लिए उतरेगी, उसी को जनता अपना जनाधार देगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।